हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे काफी सारी चीजें हमने सीखी हैं। देखिए, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। क्लास 10th से पहले आपने क्या पता था सर्कल के बारे में, कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? ये पता था आपको, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, है ना? दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे आप, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, है ना? सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, इसको आधा कर दो, है ना? सर्कल का आधा सेमी सर्कल होता है। या फिर इससे भी ज्यादा अगर करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का एरिया निकाल लेंगे। तो सर्कल का जो क्षेत्रफल है उसका एक चौथाई कर दो, या सेमी सर्कल का आधा कर दो, तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। ये चीजें आपको पता थी अभी तक, लेकिन यहाँ पे क्या सीखा है आपने? यहाँ पे सीखा है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर यानी त्रिज्याखंड, है ना? ये चीज सीखी है। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? ये होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी बना दी एरिया की, मतलब जितना आप चाहें उतना एरिया निकालें। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, आपका ये सेंटर हो गया, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे आप, सर्कल का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, या फिर इससे आधे का क्षेत्रफल निकाल लिया, या फिर आधे के आधे का क्षेत्रफल निकाल लिया, ऐसे कर रहे थे, है ना? लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब आप फ्री हैं कि भाई आपको इतने से पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, इतने से पार्ट का, या फिर इतने पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, आपकी मर्जी है ना? क्योंकि आप कोई भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्टर, है ना? मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, है ना? याद आ रहा है कुछ? मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे? थीटा पता होना चाहिए आपको उसके लिए। थीटा क्या होता है? जो सेंट्रल एंगल होता है बच्चों, ये है थीटा आपका, है ना? इस केस में, मेजर सेक्टर में, ये है सेंट्रल एंगल थीटा। तो थीटा पता है, रेडियस पता है, आप निकाल लेंगे एरिया, है ना? इससे पहले भी एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए रेडियस की जरूरत है। अगर आपको अपनी मन मर्जी के सेक्टर का एरिया निकालना है तो भाई साहब, आपको थीटा यानी कोण पता होना चाहिए कि सेंटर पे वो कितना कोण बना रहे हैं, है ना, जो उसके रेडियाई हैं। समझ गए? तो ये चीज आपको पता होने चाहिए, यहां से आप एरिया निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके आधार पे, देखते हैं आप कितना इसको समझ पाए हैं। एक बार इसको रिकैप कर लीजिए, कुछ डाउट लगता है इमिडिएटली आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों, सब चीज हो गई आपकी, नोट डाउन कर लिया सारी चीजें। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एक क्वेश्चन जो हल करना है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। पाई का यूज करना है, पाई की वैल्यू है 22/7। यहाँ पे क्या बोला गया है, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये बच्चों, घड़ी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। घड़ी सबने देखी होगी, है ना? सबके घर में है घड़ी। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा कुछ घड़ी में देखने को मिलता है कि नहीं? ये एक घड़ी हो गई, और इस घड़ी के दो हैंड्स होते हैं, टू हैंड होते हैं इस घड़ी के, ठीक है? एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर हैंड जो छोटा होता है, और सेकेंड वाली सुई भी होती है वो सबसे लंबी होती है मेरे ख्याल से। ठीक है, फिलहाल सेकेंड वाली सुई को हटा देते हैं हम,
और आवर वाली सुई की भी जरूरत नहीं है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, सिर्फ मिनट हैंड की बात की गई है, तो हम आर वाली सुई भी हटा देते हैं जो घंटे को दर्शाती है। एक सुई है आपके पास घंटे की सुई। अब देखिए, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सुई 12 पे है, ठीक है। अगर 12 से 1 पे आई तो कितनी मिनट हुई? 12 से 1 पे सुई आ गई तो कितनी मिनट हुई? 5 मिनट। 5 मिनट में 12 से 1 पे आई, है ना। अगर 1 से 2 पे गई तो अगले 5 मिनट हुए, है ना। 1 से 2 पे गई तो अगले 5 मिनट हुए। ऐसे करके अगर वापस से ये 12 पे पहुंच जाती है ना, 11 से 12 पे, तो फिर 5 मिनट हुए, टोटल कितने मिनट हो गए? ये 60 मिनट, है ना भाई। पूरी सुई घूम के वापस यहीं पे आ जाएगी तो कितने मिनट हुए? 60 मिनट हुए। तो 60 मिनट में इस सुई ने क्या कर लिया? एक चक्कर पूरा कर लिया। समझ में आ रहा है ना? कहीं भी कोई अगर डाउट लगता है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो मुझे रोक के आप दोबारा वो चीज पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने को रेडी हूं। लेकिन अच्छे से समझना जरूरी है आपके लिए। अब देखिए कि ये चीज तो समझ में आ गई, मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट हो जाएंगे। फिर अगला चक्कर लगाना शुरू करेगी तो फिर 1 से लेके 60 मिनट तक फिर जाएंगे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है। चलिए, ये बात तो क्लियर है। अब सोचिए, 60 मिनट में, 60 मिनट में चक्कर लगाती है जो घड़ी की सुई, है ना, मिनट की सुई, तो कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? 360 डिग्री एंगल कवर करेगी ये। क्यों? क्योंकि एक पूरा चक्कर लगा रही है। सर्कल का जो टोटल सेंट्रल एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होगा। समझ में आ गया? 360 डिग्री का पूरा एंगल होगा। तो इस चीज की आपको, इस चीज का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और इसका यूज करते हुए आपको बताना है कि भाई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ये बनाएगी। तो उसके लिए भाई 5 मिनट का, है ना, मान लीजिए ये देख लीजिए, 5 मिनट में थीटा क्या होगा, कितना एंगल कवर करेगी ये, है ना। जबकि 60 मिनट में अगर 360 डिग्री कवर कर रही है तो 1 मिनट में कितना करेगी और 5 मिनट में कितना करेगी, इजीली निकाल लेंगे आप। मैं प्रॉपरली समझा रहा हूँ, सारी हिंट दे रहा हूँ आपको, आप खुद कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। अब रेडियस है आपके पास, थीटा हो जाएगा आपके पास, और आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। निकाल लेंगे, दो चीज आ गई आपके पास, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो एरिया इजिली निकल जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है। चलिए, नोट डाउन करके फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब कैसे सॉल्व किया होगा, ठीक है, साथ में इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है, वी नो दैट 60 मिनट, ठीक है, वी नो दैट इन 60 मिनट्स मिनट एंड रोटेट्स, कितना रोटेट करता है? 360 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री घूमता है ना, ऐसे करके, और वो 360 डिग्री चलेगा। हमें क्या बताना है? 5 मिनट का बताना है, तो यूनिटरी मेथड पता है, ठीक है, इन 1 मिनट द मिनट एंड रोटेट्स, कितने डिग्री रोटेट करेगा? 360/60, 1 मिनट में इतना रोटेट करेगा, तो 5 मिनट में कितना रोटेट करेगा? इन 5 मिनट द मिनट एंड रोटेट्स 360/60 × 5। चलिए, बहुत इजी है ये तो, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री रोटेट करेगा। अब हमें पता लग गया वी
यहाँ पे जो थीटा है दैट इज 30 डिग्री, आर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, आर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो थीटा 30 डिग्री, आर 14 सेंटीमीटर है, हमें बताना है एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए पहले यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों आगे करें, नोट डाउन कर लिया सबने, अब लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा पता है हमें 30 डिग्री है, 30 बाय 360 आ गया, इनटू पाई है 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट कीजिए, 12 गया, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 6 आ गए, ये 11 आ गए। आगे इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया ये 11 × 14 × 14/6 × 7, ठीक है, ये आ गया। तो आगे 7 × 14 × 2 × 3 = 6, तो ये आ जाएगा 14 × 11, तो 154/3 cm², ठीक है। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बस ये आपका आंसर आ गया। देयरफोर द एरिया ऑफ क्लॉक स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ पे फाइनली स्टेटमेंट भी लिखेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ क्लॉक स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इज 154/3 cm², ठीक है, ये आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, प्रॉपरली चेक कर लीजिए, कुछ अगर आपको कोई आपका स्टेप अलग है हो सकता है, लेकिन आंसर अगर नहीं मिल रहा है, कुछ आपको लगता है कि पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सेक्टर का एरिया सबको निकालना आ गया है ना। ये सर्कल है, इसका एक सेक्टर बन गया, ये हो गया इसका सेक्टर जिसका एंगल थीटा है, ये क्षेत्रफल सबको निकालना आ गया। जो आर्क होती है, आर्क की लेंथ भी सबको निकालनी आ गई। आर्क कौन सी हो गई, देखिए ये है पॉइंट ए, ये है बी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पे हेडिंग लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सेगमेंट क्या हो गया, वृत्त खंड, नाम से ही पता लग रहा, वृत्त खंड मतलब जो वृत्त है, सर्कल है, उसका हिस्सा। अब देखिए कि हमें पता है कि अगर हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ये पता है कि भाई थीटा बाय 360 सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपकी। तो ये चीजें तो ठीक है चलती हैं, लेकिन अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या हो गया, ये जो दिख रहा है कौन सा दिख रहा है आपको, मैं इसको कलर कर देता हूं पिंक कलर, ठीक है, दिस इज सेगमेंट एंड इट इज कॉल्ड
माइनर सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट, विजिबल नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं है, विजिबल है, ये हो गया माइनर सेगमेंट। और जो इसके दूसरी तरफ बाकी का हिस्सा बच गया सर्कल का, वो क्या हो जाएगा? देखिए ये छोटा माइनर इसलिए है क्योंकि ये छोटा हिस्सा है सर्कल का, बड़ा हिस्सा दूसरी तरफ रह गया, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इस हिस्से को? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब मेजर सेगमेंट मतलब बड़ा वृत्तखंड। अब देखिए निकालेंगे कैसे इसको। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे आप। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, ये मान लीजिए ए सी बी ओ, या फिर आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ये सेक्टर का एरिया मतलब ये पूरा आ गया एरिया। इसमें भाई जो ये सेगमेंट है इसका क्षेत्रफल भी आ गया, और जो सेगमेंट में हिस्सा नहीं आता उसका क्षेत्रफल भी आ गया, पूरा क्षेत्रफल आ गया, है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो इजीली निकाल लेंगे, अभी तक आपने सीखा है। लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया घटा दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी ये घटा दूं, तो आपके पास क्या बच जाएगा? ये क्षेत्रफल मैंने घटा दिया तो सिर्फ इतना क्षेत्रफल बच गया, दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये इस तरह से निकलेगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है सवाल। ये तो बच्चों आपने सीखा है ना पिछली क्लासेस में। इज इक्वल टू हाफ, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है बेस यानी आधार, एच यानी हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है, सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। तो ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिए, आपके पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, दैट इज माइनर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट का एरिया इसमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है बच्चों, सर्कल का एरिया निकालिए, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, है ना जी। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। अब इसका भी यूज कर सकते हैं आप, है ना। बस इस चैप्टर में आपके यही कुछ फॉर्मूले हैं, यही कुछ चीजें हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। तो सर्कल का या तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे आप, या फिर वही सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये चीजें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आएंगी, यहाँ पे आपको हल करने हैं। अकॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। क्या बोला गया है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल किस किस का ज्ञात करना है? संगत लघु वृत्तखंड एंड संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, ये दो चीजों का आपको एरिया बताना है। बता सकते हैं, इजी है, काफी इजी है बच्चों। कैसे? देखिए अब आपको ये बोला गया है, कोर्ड क्या होता है? सबसे पहले तो कोर्ड यानी जीवा वो बनाइए आप, ये इसका सेंटर हो गया, समझ गए, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है। और आपको बोला गया है कि भाई जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, कितना बनाती है, सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक
ये थोड़ा छोटा लग रहा है कौन सेंटर पे, और बड़ा कर देंगे इसमें। अब लग रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बना दिया इसने सेंटर पे। आपसे क्या पूछा गया है, संगत लघु वृत्तखंड। तो ये जो दिख रहा है इसका एरिया आपसे पूछा है ना। और क्या पूछा है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, दीर्घ यानी मेजर सेक्टर, तो जो मेजर सेक्टर बच गया वो ये है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा। ये दो चीज पूछी है। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, है ना, सबसे पहले सेकंड पार्ट की बात करें, क्योंकि ये तो आपको अच्छे से आता है, निकाल सकते हैं थीटा कितना है। अगर ये 90 डिग्री है तो 360 में से 90 घटा देंगे, थीटा आ जाएगा, है ना। और थीटा को यूज करके हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा बड़े सेक्टर का एरिया। अगर बड़े सेक्टर का एरिया आ गया तो छोटे सेक्टर का एरिया भी निकाल सकते हैं, है ना। छोटे सेक्टर का एरिया आ गया तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, इजी। अब यहाँ पे आपको रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो देखिए प्रॉपर मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे सॉल्व करना है इसको, एरिया ऑफ, पहले तो थीटा चाहिए ना हमें, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, थीटा कितना है 360 माइनस 90, दैट इज 270 डिग्री। ये थीटा आ गया, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, एरिया निकाल लेंगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लिया है आपने, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया, फिर आप करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, और वो भी माइनर सेगमेंट है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो ये ट्रायंगल है इसका एरिया। अब माइनर सेक्टर का एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं आप, दो तरीके कौन से हैं। एक तो थीटा 90 डिग्री है भाई, आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, या फिर एरिया ऑफ सर्कल में से इस थीटा को, इस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को माइनस कर दो तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, 1/2 हाफ, बेस क्या है 10 है, हाइट भी 10 है, तो हाफ 10 × 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। बस सब चीज आ जाएंगी आपके पास। अब होमवर्क में इसको करेंगे कंप्लीट, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आपको पता है अब कि सर्कल के कौन सी चीजों का आपसे एरिया पूछा जा सकता है, फॉर्मूले पता है, सब कुछ पता है, क्वेश्चन आपके सामने है, होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।